हेलो व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए वेलकम बैक, और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है उनके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आज का हमारा लेसन होगा क्लास फोर के लिए। देखिए, बुक है बटरफ्लाई फॉर क्लास फोर। इसमें से लेसन टू हम देखेंगे, उसमें से एक पार्ट हम देखेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन होगा गर्ल इन अ फेयर का लेसन टू का पार्ट थ्री, पेज नंबर 29। आइए पैसेज पढ़ते हैं और एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। पैसेज थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट स्टे ट्यून्ड। आफ्टर अ वाइल, कुछ ही देर बाद, लीपी हियर्स समवन कॉलिंग हर नेम। उसे सुनाई देता है कि कोई उसे पुकार रहा है। इट इज़ सुजॉय। वो सुजॉय था हर क्लासमेट, उसका क्लासमेट। क्लासमेट होते हैं जो क्लास में संग पढ़ते हैं, उन्हें क्लासमेट कहते हैं। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। यहाँ लड़का है सुजॉय। ही हैज़ कम टू द फेयर विथ हिज फादर। वो मेले में अपने पिताजी के साथ आया था। ही इज़ इलेटेड टू सी लिपी। वह लिपी को देख कर बहुत उत्सुक हो जाता है, खुश हो जाता है, इसीलिए उसे आवाज़ देता है। He buy a doll from Mansoor uncle's shop. Mansoor uncle की शॉप से वह एक गुड़िया खरीदता है। He also buys the mask of a tiger from Lipi's father. और Lipi के पिताजी से वो टाइगर का एक मास्क खरीदता है। बाघ का मास्क बच्चे पहनते हैं, मुखौटे। Lipi looks around the fair. Lipi मेले में इधर उधर देखती है। She sees the huge merry-go-round. वहाँ एक बड़े वाले झूले को वो देखती है। मेरी गो राउंड, जो ऐसे ऐसे झूलता है, बड़ा वाला झूला। पीपल राइडिंग इन इट आर शाउटिंग इन जॉय। उसमें चढ़े हुए लोग जो उस पर झूल रहे थे, खुशी के मारे चिल्ला रहे थे खुशी से। क्लोज बाई, नज़दीक ही, अ पपेट शो इज अबाउट टू स्टार्ट। गुड़िया का खेल बस शुरू ही होने वाला था। पपेट, कठपुतली का नाच। Lipi looks at food stall a little further from their shop. अपनी ही दुकान से थोड़ी दूरी पर बने हुए फूड स्टॉल्स को, मैंने खाने की जो दुकानें होती है, खाने पीने की दुकानें होती ही हैं मेले में, उन्हें वो देख रही थी। फादर, आई वॉन्ट टू हैव आलू काबली एंड जलेबीज। और अपने पिताजी से कहती है, पापा मुझे आलू काबली और जलेबी चाहिए। सी सेज, कहती है वो। सी ऑल्सो ही हैज़ अ ग्रुप ऑफ बॉल सिंग सम डिस्टेंस अवे। कुछ ही दूरी पर उसे बाउल्स की आवाज़ सुनाई देती है, जो गाना गा रहे होते हैं। बाउल्स कौन होते हैं? ऐसे जोगी, जोगी बाबा, इनको बाउल कहते हैं बंगला में। हिंदी में भी बाउल ही कहते हैं और इंग्लिश में भी। देखिए, ये है बाउल्स। सी नोज दैट बाउल आर द फोक सिंगर ऑफ बंगाल। वो जानती है कि बाउल्स कौन होते हैं, बंगाल के फोक सिंगर। फोक माने पीढ़ी दर पीढ़ी जो गाना गाते हैं उन्हें कहते हैं फोक सिंगर। पहले के जो गाने गाते हैं उन्हें। लिपीज़ फादर बाइज हर अ डॉल। लिपी के पिताजी उसे गुड़िया खरीद देते हैं, ए ह्यूज गैस बलून, और गैस से भरा हुआ एक बलून खरीद देते हैं। सी हैज़ फन राइडिंग द मेरी गो राउंड। उसे मेरी गो राउंड झूले में झुलाते भी है, उसे बहुत मज़ा आता है फन। हर फादर इवन अलाउ हर टू बाई सम कलरफुल ग्लास बैंगल। और उसके पिताजी उसे इजाज़त भी देते हैं कि वो कुछ ग्लास बैंगल, मैंने कांच की चूड़ियाँ खरीद सकती है, रंगीन कांच की चूड़ियाँ खरीदती है। लिपी इंजॉयज हैविंग आलू काबली एंड पुचका। उसके पापा उसे लगता है आलू काबली और पुचका भी खिलाते हैं। सी टेक सम जलेबीज होम। और जलेबी खरीद के घर के लिए वो ले जाती है। हर फादर बाइज अ नाइस साड़ी फॉर हर मदर। उसके पिताजी उसकी माता के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदते हैं। लिपी इज़ वेरी हैप्पी। मेले में घूमने के बाद लिपी बहुत खुश है। सी विशेस टू विजिट द फेयर अगेन नेक्स्ट ईयर। और वो चाहती है कि अगले साल जब मेला बैठे तो वो फिर से वहाँ घूमने के लिए आए। उम्मीद करती हूँ पैसेज आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए एक्टिविटीज़ देखते हैं। एक्टिविटी फाइव, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर।
पुट द नंबर इन द गिवन बॉक्सेस, वन इज डन फॉर यू। देखिए मैंने किया है। इनको सॉल्व करने से पहले आप सारे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लें। मैंने पढ़ने के बाद ही इन्हें अरेंज किया है। देखिए पहला तो दिया गया है टू, सी हैज़ फन राइडिंग द मेरी गो राउंड। थ्री में क्लोज बाय अ पपेट सो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। फोर नंबर ये है सी ऑल्सो ही हैज़ अ ग्रुप अबाउट सिंग सम डिस्टेंस अवे। एंड लास्टली फाइव नंबर सी विशेज टू विजिट द फेयर अगेन नेक्स्ट ईयर। पीछे आने वाली साउंड्स के लिए माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ उन्हें इग्नोर करें। एक्टिविटी सिक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज लिपीज क्लासमेट। इसका उत्तर है सुजॉय इज लिपीज क्लासमेट। देखिए इसका उत्तर सुजॉय इज लिपीज क्लासमेट। व्हाट डज सुजॉय बाय एट द फेयर। सुजॉय ने मेले से क्या खरीदा था। सुजॉय बाइज ए डॉल एंड अ मास्क ऑफ अ टाइगर। व्हाट डज लिपी ईट एट द फेयर। लिपी ने मेले में क्या खाया था। उसने चाहा था कि वो आलू काबली और जलेबी खाए, लेकिन लिपी ईट्स आलू काबली एंड फुचका एट द फेयर। आखिरी क्वेश्चन है व्हाई इज लिपी वेरी हैप्पी। लिपी इतनी खुश क्यों है। लिपी इज वेरी हैप्पी बिकॉज सी इंजॉयड हर फर्स्ट विजिट टू द फेयर। वो खुश इसलिए है क्योंकि पहले बार वो मेले आई थी और मेले को उसने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ एक्टिविटी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और अपने स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।